अमीश और अमन भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमीश, बहुत बड़ी खबर है, सबसे बड़ी खबर तो छत्तीसगढ़ दिख रही है, जहां इतनी बड़ी फाइट दिख रही है। जी, छत्तीसगढ़ के अंदर एक बड़ी बढ़त लग रहा था कांग्रेस को मिल पाएगी, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं दिख रहा है। और अब छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस को बढ़त जरूर है, लेकिन कांटे की टक्कर है जैसा रुझानों में देखने को मिल रहा है। अमन मेरे साथ है। अमन, इंटरेस्टिंग है ये इलेक्शन, और इसको कोई मध्य प्रदेश में तो कोई मान नहीं रहा था ये वेव इलेक्शन होगा, लेकिन वो सीटें खासतौर पर चंबल का इलाका, ग्वालियर का इलाका, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ी बढ़त मिली है, नरेंद्र तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरोत्तम मिश्रा, इनकी तिकड़ी डिलीवर करती हुई उस इलाके के अंदर दिख रही है। ये कांग्रेस के लिए एक बड़ा सेटबैक हो सकता है। महाकौशल जो कमलनाथ का इलाका है, वहां कांग्रेस को पिछड़ रही है, वो कांग्रेस के लिए एक सेटबैक हो सकता है। लेकिन राहुल गांधी के लिए प्लस रहा है तेलंगाना के अंदर, जो एक बहुत बड़ी बढ़त कांग्रेस बना रही है। लेकिन राजस्थान के अंदर जितनी आसानी बीजेपी को दिख रही थी, उतनी दिख नहीं रही है। अमन, बिल्कुल 48.8% वोट बीजेपी को, मतलब 49% वोट मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को, नंबर एक। नंबर दो, 152 सीटें लगातार तीन टर्म शिवराज सिंह चौहान का, यह भी बात ध्यान देनी होगी। इस बार मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया मध्य प्रदेश का, शिवराज सिंह चौहान सीएम फेस नहीं थे, तो ब्रांड मोदी पर 152 सीटें, 151, ये शायद बीजेपी ने भी इतनी नहीं एक्सपेक्ट की होगी, मतलब छप्पर फाड़कर वोटिंग हुई है। राजस्थान में क्लियर कट मैंडेट एक तरीके से नजर आ रहा है, एग्जिट पोल के हिसाब से भी राजस्थान में 103 सीटें, मध्य प्रदेश में इंटरेस्टिंग अमीश छत्तीसगढ़, क्योंकि 46 और 43 बीजेपी नेक एंड नेक है, काफी काफी एज है जी। और एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा जो अभी आप दे रहे थे अमन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, वोट शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन गहलोत पीछे, मतलब कांग्रेस राजस्थान के अंदर पीछे है, लेकिन उतनी पीछे नहीं है जितनी संभावनाएं लगाई जा रही थी कि बीजेपी वन साइडेड होके जीत सकती है। मैं इसको बोलूंगा, ये कांग्रेस के लिए माइनस है राजस्थान, लेकिन बीजेपी के लिए उतना बड़ा प्लस नहीं है। क्या भीतर घात है, क्या समस्या है, ये बीजेपी को देखना पड़ेगा। जो बढ़त बीजेपी को राजस्थान में मिलनी चाहिए थी, अगर आप उसका फिर विश्लेषण करें, तो ऐसा दिख रहा है कि वो बढ़त बीजेपी को नहीं मिल रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को जो बढ़त दिखनी चाहिए थी, वो बढ़त छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को होती हुई नहीं दिख रही है। तो हिंदी पट्टी के अंदर हम मान सकते हैं कि नरेंद्र मोदी का जादू है और अमित शाह का पॉलिटिकल मैनेजमेंट है। मैं दोनों राज्यों की बात बताना चाहता हूं व्यूअर्स आपको, दोनों राज्य जो कि इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, दोनों में अमित शाह इंचार्ज थे, और आप देखिए वहां पर चुनाव प्रभारी बदले गए, वहां पर बूथ मैनेजमेंट तो एक अब भारतीय जनता पार्टी में सामान्य घटना है, लेकिन सबसे बड़ा था वहां दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारना। आप देखिए नरेंद्र तोमर को मैदान में उतारा गया, प्रहलाद पटेल को मैदान में उतारा गया, जी राज्यवर्धन राठौड़ राजस्थान में उतारे गए, तो कहीं ना कहीं एमपी के अंदर बीजेपी का एक प्लान था। अजय आलोक अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अजय भाई, आवाज अगर आप तक पहुंच रही है तो मैं आपसे सवाल लूं, आवाज पहुंच रही है अजय भाई? जी जी, आवाज पहुंच रही है अमन। अजय भाई, मतलब 151, मतलब लोग कह रहे थे आवाज... कांटे की टक्कर, कांटे की टक्कर, ये शायद लाडली बहना योजना ने उस कांटे की टक्कर के सारे कांटे निकाल दिए। देखिए अमन, अभी ये शुरुआती रुझान है, अभी मैं इसमें बहुत ज़्यादा उत्साहित होकर कुछ आपको बोलूँगा नहीं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले 1-1.5 घंटे में ये रुझान और कंसोलिडेट हो जाएगा, और मध्य प्रदेश राजस्थान में कंसोलिडेट तो हो ही जाएगा, लेकिन छत्तीसगढ़, जो मैं शुरू से आप लोग को बोल रहा था 3 महीने पहले से, कि छत्तीसगढ़ के नतीजे सबसे चौंकाने वाले रहेंगे। और अभी इलेक्शन कमीशन का जो डेटा है मेरे पास लेटेस्ट में, उसमें हिसाब से हम 23 सीटों पर हम लीड कर रहे हैं, 20 सीटों पर कांग्रेस, आपका फिगर्स वो काउंटिंग सेक्शन से आ रहा है, क्योंकि आपके तो सारे रिपोर्टर्स हैं वो तो काउंटिंग सेक्शन पे ही हैं, वो ज़्यादा अपडेटेड होंगे। लेकिन जो रुझान जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कि अगले 1.5 से 2 घंटे में जब ये कंसोलिडेट हो जाएगा, तब इस पर कुछ टिप्पणी करना उचित रहेगा, अभी तो 3-4 राउंड हुए हैं। लेकिन शुरुआती रुझान में जिस तरह से हमें बढ़त मिली है, तो उससे डेफिनेटली हम बहुत खुश हैं जी। लेकिन राजस्थान के अंदर हमें देखना पड़ेगा अन्य कौन 15 जीत के आ रहे हैं, ये एक काफी दिलचस्प आंकड़ा है। अन्य किसके बागी हैं, क्योंकि बीजेपी के भी बागी थे, कांग्रेस के भी बागी थे, और बीएसपी भी यहां पर एक बड़ी प्लेयर है। अब मायावती ने वहां पर रैलियां भी करी हैं, मायावती भी एक बड़ी प्लेयर है, लास्ट टाइम भी उनके 6 विधायक थे, इस बार 15, ये किसके आ रहे हैं, और बीजेपी के बागी कितने आ रहे हैं, कांग्रेस के बागी कितने आ रहे हैं, वो देखना होगा। राजस्थान का आंकड़ा बदलता हुआ, बीजेपी अब 105 पे, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 46 पे, बीजेपी 43 पे,
मध्य प्रदेश 153, भारतीय जनता पार्टी महेश जोशी है हमारे साथ कांग्रेस के नेता, उनका रुख कर सकते हैं। मौजूदा में मंत्री है गहलोत सरकार में, लेकिन इनका टिकट काटा गया था, लेकिन क्या महेश जोशी का टिकट काटना महंगा पड़ा कांग्रेस पार्टी को? महेश जी, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी की विदाई हो रही है राजस्थान से, क्या कहना चाहते हैं आप? आपका पहला रिएक्शन? अभी ये अभी शुरुआती रुझान है। मेरा विश्वास है कि राजस्थान में हम सरकार बनाएंगे और जितनी जनता की हमने सेवा करी पिछले 5 साल में, उससे ज्यादा सेवा हम राजस्थान की जनता की आगे आने वाले 5 साल में करेंगे। अमन महेश जी, अगर यही नतीजे, ये जो शुरुआती रुझान है, नतीजों में तब्दील होते हैं, तो क्या वजह आपको, मतलब क्या इन फाइटिंग जिसका अभी अमीश जी कर रहे थे, फैक्शन गुटबाजी, क्या ये कुछ वजह आपको नजर आती है? इन वजह से संभवतः कुछ नुकसान अगर होता है तो ये वजह हो सकती है, इन फाइटिंग, फैक्शंस, गहलोत वर्सेस पायलट, आपको टिकट ना देना, खासकर महेश जी? मैं कह रहा हूं कि ये टिकट मिलना कटना ये तो अस्थायी परिस्थितियां होती हैं। पार्टी ने 5 साल सेवा करी है, मैं भी पार्टी में मंत्री, पार्टी की सरकार में मंत्री रहा, मैंने भी सेवा करी, हम सब ने मिलकर सेवा करी है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में, और पार्टी चली है खूब अच्छे से, पार्टी चली है, मतभेद थोड़े बहुत सब पार्टियों में होते हैं, हमारे भी थोड़े बहुत। महेश जी सुलझ भी गए, देखिए अब तो चुनाव संपन्न हो गया, ये जो रुझान है ये 2 घंटे से ऊपर के रुझान है, तो कुल मिलाकर एक डायरेक्शन दे रहे हैं ये रुझान, इसमें बहुत बड़ी तब्दीली आएगी, खासतौर पर जहां पे मार्जिन्स बहुत ज्यादा है वहां पे बहुत मुश्किल है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर तो मुझे बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, वहां पर कांग्रेस के लिए कुछ है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जरूर कांग्रेस को बढ़त है। लेकिन सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत, हम सब ने देखा है, सरेआम देखा है, 5 साल देखा है, वो पुरानी बात हो गई, इतिहास की बात हो गई, वो इतिहास की बात हो गई, ये मौजूदा में दिख रहा है। साथ साथ प्रचार किया पार्टी के, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू यू, मैं आपको लंबे अरसे से जानता हूं, ये दिख रहा है, आज भी दिख रहा है, इन नतीजों में भी दिख रहा है। देखिए नतीजे पूरे आने दीजिए, मैं समझता हूं कि आपको अपनी राय बदलनी पड़ेगी।